press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राज्यसभा में राजस्थान से नामांकन के लिए भूपेंद्र यादव रविवार दिल्ली से जयपुर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में बहरोड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव सोमवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। यादव आज दिल्ली से जयपुर सड़क मार्ग से पहुंचे। रास्ते में जगह जगह उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, किशनगढ़ बास विधायक रामेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, मोहित यादव सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर यादव ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुनः राज्य सभा के लिए चुने जाने पर आभार जताया। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि राज्यसभा में दूसरी बार नामांकन का अवसर मिला। इस अवसर पर मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी और राजस्थान की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी अवसर मुझे दिया है। मैं नामांकन कल 11:30 बजे नामांकन राज्यसभा का होता है और उसके लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ। रास्ते भर में जो कार्यकर्ता मिल रहे हैं उनकी शुभकामनाओं को भी मैं स्वीकार करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने आज मुझे अवसर दिया है, निश्चित रूप से पार्टी की सेवा के लिए, पार्टी के विचारों के लिए मैं अपने काम और कार्य को आगे बढ़ाऊँ।